तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इसराइल ने भारत में वो काम कर दिखाया है जो शायद दुनिया के बड़े बड़े देश या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां ना कर पाए हैं। इसी के साथ में इस तकनीक का घमंड चाइना को बहुत पहले से था, उसे लगता था कि अगर वो इस तकनीक को भारत में नहीं भेजेगा तो शायद भारत के अंदर ये तकनीक कभी देखने को मिले, बट ये उसकी गलत फहमी थी। इसराइल ने भारत के अंदर ये काम कर दिखाया है। असल में दोस्तों इसराइल की बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है इकोपिया, वो भारत के अंदर रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने जा रही है, जहाँ पर कंपनी को सपोर्ट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो इसराइल चैम्बर्स के तहत मिला है, जहां पर ये कंपनी काम करने जा रही है। साथ ही में कंपनी का भारत को लेकर के कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं जो भारत के अंदर एक नई क्रांति ला सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कंपनी भारत के अंदर बहुत पहले से काम कर रही है। कंपनी का राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा सोलर पार्क है जहाँ पर कई गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसी के साथ में कंपनी अडानी, एनटीपीसी और भारत की कई बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर भारत के अंदर काम करते आ रही है। और अब कंपनी का आने वाले फ्यूचर में ये प्लान है कि कंपनी कुछ नए सोलर पार्क्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराएगी, जिससे भारत के अंदर एक तो रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, इसी के साथ में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां पर जो भी सोलर कंपनी बाय करेगी वो सभी के सभी इंडियन कंपनी से खरीदे हुए होंगे। इनफैक्ट जो इनका राजस्थान वाला प्लांट है वहां पर भी ज्यादातर जो सोलर है वो इंडियन कंपनीज के ही लगे हुए हैं। और अगर आपको बताएं कि इस रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी से भारत को क्या फायदा होगा, तो दोस्तों इस तकनीक की मदद से पानी की बहुत बड़ी मात्रा को बचाया जा सकता है। सोलर क्लीनिंग की आवश्यकता भारत के अंदर बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे देश के अंदर डस्ट की वैल्यू काफी ज्यादा है, और सोलर पैनल्स अगर क्लीन नहीं होंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे में इन चीजों को मैन्युअली किया जाएगा तो बहुत ज्यादा लेबर चार्ज और बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होगी, लेकिन रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इस काम को बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ही कम पानी में किया जा सकता है। और कंपनी का फ्यूचर और बहुत बड़ा प्लान ये भी है कि कंपनी 4 to 5 billion का इन्वेस्टमेंट करके इन रोबोट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगी, जिससे कई हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी के साथ में कंपनी ये काम इसलिए करेगी क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारे देश की कस्टम ड्यूटीज को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और कंपनी को ज्यादा पैसा ना देना पड़े और कंपनी इंडिया से आसानी से एक्सपोर्ट भी कर पाएगी और मैन्युफैक्चर भी कर पाएगी। कंपनी के ग्लोबली 2700 मेगावाट से भी ज्यादा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कंपनी बहुत लंबे समय से काम करते आई है, और अब ये कंपनी भारत के अंदर एक नई तकनीक के साथ भी एंट्री मार चुकी है। सो आप सभी लोगों का क्या कहना है कंपनी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।